नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में उप जिलाधिकारी सगड़ी डॉक्टर अतुल कुमार गुप्ता का स्थानांतरण कर दिया गया। उन्हें सदर तहसील में SDM न्यायिक बनाया गया है। वहीं न्यायिक उप जिलाधिकारी सदर आजमगढ़ नरेंद्र कुमार गंगवार को उप जिलाधिकारी सगड़ी का पदभार सौंपा गया है। यह 2020 बैच के PPS अधिकारी हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद SDM सगड़ी नरेंद्र कुमार गंगवार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जो भी आदेश होगा उसे क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही सीमांकन बंटवारे संबंधित वाद धारा 34, धारा 67 नामांतरण संबंधित वाद है, उसके निस्तारण का प्रयास कोर्ट की प्राथमिकता। इसके अलावा जन सुनवाई के माध्यम से लोगों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। आगे उन्होंने बताया कि कुछ जनता की समस्याओं का निस्तारण जो अभी तक नहीं हो पाया है उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। नरेंद्र कुमार गंगवार, न्यूज नाइन भारत के लिए आदर्श श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। सर, आज आपने सगड़ी का पदभार ग्रहण किया है, सर क्या कहना चाहिए, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सर आपकी? जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज मैंने जिला अधिकारी सगड़ी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मेरी प्राथमिकताएं जो भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उनको उनका कार्य सुनिश्चित करना कि उनका कार्यान्वयन सही रूप से हो, जो भी निर्देश है और जो भी शासन की प्राथमिकताएं हैं, जैसे इस समय जो सीमांकन संबंधी और बंटवारे संबंधी वाद हैं और धारा 34 के बाद हैं जो नामांतरण संबंधी वाद हैं और धारा 67 के जो वाद हैं उनके निस्तारण संबंधी कोर्ट की जो प्राथमिकताएं हैं और उसके अलावा जो भी जन सुनवाई से संबंधित जो भी विभिन्न स्तरों पे जो भी संदर्भ आते हैं उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो, यही मेरी प्राथमिकता है। ठीक, तहसील दिवसों पर तमाम वादे, तमाम शिकायतें लंबित हैं, उसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, अभी मैं आज पहला दिन है तो देखूंगा इस तरह की जो भी अगर कोई ऐसे है जहाँ पे लोग संतुष्ट नहीं है और कार्रवाई अगर सही से नहीं की गई तो उन प्रकरणों को मैं देखूंगा कि उनमें सही से कार्रवाई जो भी हमसे अपेक्षित है नियम के हिसाब से जो भी किया जा सकता है नियमानुसार वो कार्रवाई उसमें की जाएगी। ठीक है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।